सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। खोल आंख, जमीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ये सूरज जो लाखों बरस से कायनात पर चकमगा रहा है, इसी आबोताब से इसने सम्राट अशोक के भारतवर्ष और शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हिंदुस्तान जन्नत निशान को मुनव्वर किया। वक्त का फरिश्ता पौने 2000 साल के वरक पलट चुका। ये 16वीं सदी ईस्वी का निस्फ आखिर है और अशोक के बाद हिंदुस्तान का दूसरा सुनहरा दौर और दूसरी अजीम तरीन सल्तनत जो हिमालय से गोदावरी और बलूचिस्तान से बर्मा तक फैली है। इस सल्तनत की हैबत और रौब सारी दुनिया पर तारी है। बादशाह की नेकनामी रोम, तुरान, ईरान, एलिजबेथन, इंग्लिस्तान और अफ्रीका तक फैली है। द ग्रेट मुगल यूरोप में हिंदुस्तान की सरबलंदी और ताकत का सिंबल बन चुका है। अशोक और अकबर महज अपनी फौजी ताकत के बल पर चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहलाए। अशोक ने विश्व शांति और विश्व प्रेम, अकबर ने सुलह कुल अमनो आस्ती के उसूलों पर हुकूमत की बुनियाद रखी। अकबर ने कहा, खुदा का रहम करम सारी इंसानियत के लिए यकसां है। बादशाह जमीन पर जिल्ले इलाही है, यानी खुदा का साया। वो इंसानों में भेदभाव नहीं कर सकता। तारीख में पहली बार अकबर ने एक गैर मजहबी हुकूमत कायम की। इसके लिए मिट्टी उसे जरखेज मिली, क्योंकि अभी मुल्क में कबीर, नानक, चिश्ती और प्रेम मार्गी सूफियों, भक्ति काल के संतों के नगमे उसकी फिजा में लर्जा थे। अकबर ने पुरानी रिवायतों पर चलने की बजाय वक्त और मौके की मुनासिबत से काम करना बेहतर समझा। उसने कहा, सजाओं में सख्ती न बरतो, माफी की दरखास्तें कबूल करो, अपने मुखालिफों को शक्तिशाली साथी बना लो बजाय इसके कि वो कमजोर दुश्मन बने रहें। नफरतों की बुनियाद बेखबरी पर है, ये दीवारें ढा दी जाएं, क्योंकि चराग से चराग जलते हैं। अकबर के मुल्की इंतजाम का सांचा आज तक बरकरार है। वो बिलाशुबा एक हैरत अंगेज इंसान था। इस हैरत अंगेज इंसान की दास्तानी जिंदगी रूसी तुर्किस्तान की बर्फ से सिंध के छुलसते हुए रेगिस्तान तक फैली हुई है। अकबर आजम के दादा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक हौसलामंद और जंगजू इंसान थे, जो फरगना की बर्फ पोश वादियों में पैदा हुए थे। तकदीर बाबर को फरगना की बंजर पहाड़ियों से हिंदुस्तान के सरसब्ज और शादाब इलाके में ले आई। उसने पानीपत के मैदान में मगरूर और जालिम शहनशाह इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी। बाबर आजम की जिंदगी जद्दोजहद और आजमाइश की आग में तपकर कुंदन बनी थी।
فتح تو ذل الہی کی تلوار کی ہمجولی اور قدموں کی کنیز ہے، اللہ نے ایک اور فتح آپ کے دامن میں ڈال دی ہے، لیجئے عالم پناہ، پرچم حاضر ہے، اپنی تمنا پوری فرمائیے۔ नहीं करेगा। कौन हो तुम? हम महाराजा चित्तौड़ की बेटी और इसके लिए की राजकुमारी हैं। हमारा नाम कर्मावती है। गुस्ताख लड़की, तुझे नहीं मालूम बाबरे आजम इस किले को फतेह फरमा चुके हैं और अपने दस्ते मुबारक से इस किले पर फतेह का परचम लहराना चाहते हैं। हमें तो मालूम है, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि जब तक एक भी राजपूती तलवार बाकी रहेगी तब तक उनके झंडे और किले की चोटी के बीच जीवन और मौत का फासला भी बाकी रहेगा। तुम चाहती क्या हो राजकुमारी? अगर आपको इस किले पर अपनी विजय पताका लहराना ही है तो आपको हमारी लाश पर से गुजरना होगा। बेअदब लड़की, तुझे मालूम होना चाहिए कि हम नस्ले तैमूर से ताल्लुक रखते हैं और तो पर हाथ उठाना हमारे मसलक में गुनाह और हमारी शान के खिलाफ है। हम औरत नहीं है, हम चित्तौड़ की राजपूती आन है। अभी तक आपकी तलवारों का सामना लोहे की तलवारों से होता आया है, आज उसे राजपूती स्वाभिमान का सामना करना पड़ेगा। आपकी शान हमारी आन से टकराए बगैर एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। नहीं हुमायूं, जिल्ले इलाही, बहादुरों की जीतारी का जवाब जल्दबाजी नहीं, फराख दिली है। हमें तुम्हारे वालिद महाराजा चित्तौड़ की मौत का दिली अफसोस है। हमें तुमसे हमदर्दी है राजकुमारी। क्या एक शहनशाह एक अनाथ लड़की पर दया करना चाहता है? नहीं, एक बहादुर दूसरे बहादुर के हिम्मत और जुर्रत की दाद देना चाहता है। हम चित्तौड़ का किला तुम्हें वापस करते हैं। आप महाराजा चित्तौड़ की बेटी को भिक्षा और दान देना चाहते हैं? हरगिज नहीं। एक बाप अपनी बेटी को तोहफा देना चाहता है और तोहफा कबूल करने से इनकार हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है। बाबर की तलवार की फतेह को तुमने बाबर के अखलाक की शिकस्त में बदल दिया। हम आज से तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करने का ऐलान करते हैं। मिर्जा हुमायूं, आज से राजकुमारी हमारी बेटी और तुम्हारी बहन होगी। हम वसीयत करते हैं, जब तक हिंदुस्तान में मुगलों का वजूद है वो चित्तौड़ के किले को बाबर की अमानत समझकर इसकी हिफाजत करेंगे। चित्तौड़ के किले के खिलाफ कोई भी ऐलान जंग सल्तनत मुगलिया के खिलाफ ऐलान जंग तसव्वुर किया जाएगा। क्या आप भी हमारी बेटी हमारे नजदीक ना आएगी? मिर्जा हुमायूं, क्या आप अपनी बहन की पेशवाई नहीं करना चाहेंगे? बाबर आजम का हुक्म हुमायूं के लिए फरमाने खुदा बंदी है। हुमायूं आपको यकीन दिलाता है अगर हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर भी
اپنی بہن کی حفاظت کر سکے تباہ خدا یہ نسل تیمور کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی آج سے ہم اور آپ سکے بھائی بہن ہیں راجکماری ہم راجپوت تلوار کا جواب تلوار سے اور پیار کا جواب پیار سے دینا اپنا دھرم سمجھتے ہیں संसार को ये रस्म भारत की देन है संसार में कोई भी देश भाई बहन के प्यार को ऐसी मान्यता नहीं देता इसे बांधकर बहन अपने भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करती है और भाई हमेशा के लिए अपनी बहन की रक्षा का उत्तरदायी हो जाता है बाबर न सिर्फ तलवार का ही धनी था بلکہ ایک نامور قلمکار بھی تھا اس نے ترکی اور فارسی زبانوں میں شاعری کے وہ یادگار پھول کھلائے ہیں جو ادب کی گلشن میں اسی طرح تر و تازہ ہیں اس کی تصنیف تسک بابری ترکی زبان کی شاہکار تسلیم کی جاتی ہے اس نے اپنی یادوں میں نئی حکومت ہندوستان کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات لکھے ہیں وہ ہندوستان کو آپسی محبت اور پریم کا گہوارہ بنانا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنی ہندو رعایا کے جذبات کا بے حد احترام کیا ان کے پوتر ستھانوں پوجا ستھلوں اور پوتر گو ماتا کی حفاظت کے فرمان صادر کیے اس نے سازگار سیاسی اور تہذیبی اصول رائج کیے جانباز اور وفادار راجپوتوں کو اپنی سلطنت میں اہم عہدے دیے ہندو عورتوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا یہی وجہ ہے کہ مغل بیگمات کو ہندوستانی رسم و رواج سمجھنے میں ان سے کافی مدد ملی دیا بھاون جو ایک راجپوت منصب دار جوگا پریہار کی بیٹی تھی اسے ننھے اکبر کو اپنا دودھ پلانے کا سمان پراپت ہوا دیا بھاون جی حکم آپ کو یہاں کسی طرح کی تکلیف تو نہیں جو حکم کی چھتر چھایا تلے ہو اس پر کشٹ کی دھوپ کیسے آ سکتی ہے شامدید ماہم بیگم تسلیمات آج معلوم ہوا کہ ہمارے شہنشاہ کے شعروں میں کن چہروں کا نور سمایا ہوا ہے واقعی دیا بے حد حسین ہے حسین بھی اور بادب بھی بیگم ہماری خواہش ہے کہ ہمارے وفادار ساتھی رسجوگ پریہار کی حسین و جمیل بیٹی کو محل سرا میں کوئی خاص مرتبہ دیا جائے اس کے انداز میں بڑی نزاکت اور محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ مرزا ہمایوں اس سے ہندوستانی تہذیب اور طور طریقے سیکھیں ہمیں تو ہندوستانی باشندوں کا طریقہ اسلام بے حد پسند ہے ماہم بیگم آپ کو ہندوستان کی کون سی شے سب سے زیادہ پسند آئی اس کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہم جن علاقوں میں ہو کر آئے ہیں وہ زمین کی مٹی کو برف کی چادروں نے ڈھک رکھا تھا
वो मिट्टी इंसानी जिस्म के मस से महरूम थी, लेकिन यहां की मिट्टी, अजीब जादू है इसमें, उठकर जैसे दामन थाम लेती है, पांव में जंजीरें डाल देती है, गले का हार बन जाती है। पाखुदा, जब हमने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली बार अपना कदम रखा था तो हमें वही इत्मीनान और सुकून मिला था जो जो एक बच्चे को मां के आगोश में मिलता है। लीजिए, उम्र दराज हमारे खजाने के अनमोल मोती आ भी गए। आओ फर्जंदाने मन, अगर हम आप सबसे कहें कि हम आपकी कोई एक ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे तो आप लोग किस ख्वाहिश का इजहार करना चाहेंगे? मिर्जा कामरान। शहंशाह आले मतवत, अगर आप अपने इस गुलाम को अपने दरियाए सखावत से काबुल, कंधार और गजनी के मोती इनायत फरमा दें तो यह गुलाम अपने वक्त पर नाज करेगा और हमारी शमशीरें आबदार उन इलाकों को आपके कदमों में झुकाए रखेंगी। अगर जिल्लेलाई खादिम को संबल और गुजरात के सरसब्ज इलाकों की सरबराई बख्श दें तो इस खादिम का दावा है कि वो उन रियासतों की शान में चार चांद लगा देगा। अलवर की फिजाएं सूफिया और औलिया इकराम के फैज से सरशार हैं। अगर जिल्लेलाई इन रियासतों की जिम्मेदारी इस हकीर को सौंप दें तो खादिम इसे अपनी खुशबख्ती समझेगा। बहुत खूब, आप खामोश हैं नूर चश्म, क्या आप अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहेंगे? आलम पना की हस्ती हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। खादिम की पहली आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि खुदाए जुल जलालो वाले इकराम आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और हमें आपकी खिदमत का मौका मिलता रहे। सुभान अल्लाह, मरहबा, हमें आपसे यही उम्मीद थी नूर नजर। सादतमंद औलाद वालदेन के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हम आपकी सादतमंदी से खुश होकर एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। आप हमारी नजर के नूर हैं और ये कोहिनूर दुनिया में इससे कीमती हीरा ना हुआ है और शायद ना होगा। हम इसे बतौर इनाम आपकी नजर फरमा रहे हैं। जून बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। Thank you.
कौन है ये बेबाक नौजवान? ये लूटियों के एक सरदार हसन खां पठान का लड़का फरीद खां सूरी है आलमपना। जौनपुर इसका वतन है। इसकी बहादुरी और जीदारी के कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं एक बार इसने एक बार में ही एक शेर के दो टुकड़े कर डाले थे, इसीलिए इसे शेर खान का खिताब दिया गया था। मिर्जा हुमायूं, इस नौजवान से होशियार रहना। इसके चेहरे पर हमें एक अजीब किस्म की हौसला मंदी नजर आ रही है, न जाने क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्तकबिल में याद के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है।